Hi friends, I am Lavleen. Welcome you to Angel's Blessings Tarot with Lavleen. तो आज का टॉपिक है आपका 2021 ईयर कैसा जाएगा. हर तरह से, चाहे आपकी लव लाइफ वाइज हो, चाहे करियर वाइज लाइफ हो, जो भी हो, आपका 2021 ईयर कैसा जाएगा. तो आपको इन तीन पाइल्स में से एक पाइल सिलेक्ट करनी है. पाइल नंबर 1 ब्लू हार्ट, पाइल नंबर 2 दिस पेंडेंट एंड पाइल नंबर 3 दिस ब्रेसलेट. तो जौन सी भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, जहाँ की एनर्जी कनेक्ट होती है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए. मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में. तो जिन्होंने भी ये ब्लू पेंडेंट सिलेक्ट करा था, आइए देखते हैं उनका 2021 ईयर कैसा जाएगा. तो यहाँ मैं कार्ड्स को शफल कर लूँगी. तो यहाँ मैं अपनी एनर्जी कनेक्ट करी थी. आइए देखते हैं आपका 2021 ईयर कैसा जाता है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मेट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो अगर मैं करियर वाइज आपका बताऊं, तो आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपको उसमें अभी इस साल काफ़ी हार्डवर्क करना होगा. उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे. तो उनको आपको उनको डटकर सामना करना है, हार्डवर्क करना है, अपने एफर्ट्स लगाने हैं, तभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा. और बल्कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं अपने. मतलब मुझे यहाँ ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको मे बी, अगर आप किसी वजह से, अगर आप फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हैं किसी भी वजह से, आपका मे बी बिजनेस लॉस हुआ हो या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो आप उस चीज़ को विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप उस चीज़ को, आपके आसपास नेगेटिविटी है, नो डाउट आपको दिखाई दे रही है नेगेटिविटी, लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स, अपने यही एफर्ट्स उस नेगेटिविटी से दूर रह के, उस नेगेटिविटी का ना सोच के पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओगे अपने एफर्ट्स, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी. और आप फैमिली सपोर्ट भी ले सकते हो, आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मिल सकता है, फाइनेंशियली एंड इमोशनली भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं. वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे. लेकिन ये कहते हैं ना कि हेल्प तो मिल जाती है, लोग हेल्प कर देते हैं, आजकल तो वो भी नहीं है. लेकिन अगर लोग हेल्प कर भी दें, तो आपको आपके अंदर इतनी वो होनी चाहिए, इतनी विल पावर आपकी होनी चाहिए कि
अगर आपने ये काम करना है तो करके ही रहना है, चाहे उसमें आपका दिन रात लगे, चाहे आपका कुछ भी लगे, आपको बस उस काम को करके रहना है। इस नेगेटिविटी से दूर होना है तो इस नेगेटिविटी से दूर होके ही रहना है, और अपने एफर्ट्स को जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है उतना लगाओ, आप जितना लगा सकते हो आप उतना लगाओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर वाइज आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आप में वो बात है करके दिखाने की, और आप करोगे भी, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो इसका मतलब है इस टाइम डिवाइन भी आपके साथ है और आपके खुद के एफर्ट्स भी आपके साथ हैं, तो वो ज़रूर काम आएंगे। तो बस आपको यही करना है कि इन केस अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी ना हो, आप फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हो, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे इस साल, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, जो कि आपको एक लेसन देकर जाएंगे, एक ऐसा लेसन जो कि आप शायद लाइफ टाइम ना भूलो, एक ऐसा लेसन। और चाहे वो आपका करियर वाइज हो, चाहे आपका कोई पर्सनल लाइफ वाइज हो, और इसका मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट्स, जैसे कि मैंने बताया, एक अच्छे उसमें लगाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपको होप रखनी है, आपको होप नहीं खोनी कि मैं तो इतना काम करता हूँ, इतने एफर्ट्स लगाता हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं होता, तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि हाँ ज़रूर होगा, भगवान पे विश्वास रखो, तो सब आपके साथ है, डिवाइन भी आपके साथ है इस साल, आपके खुद के एफर्ट्स भी आपके साथ हैं, और आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, और नेगेटिविटी से दूर रहो। देन मैं आपको बता दूं कि जब आप एफर्ट्स करोगे ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में इस साल, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना उतना आप अचीव करोगे, लेकिन उसके साथ साथ मे बी आप काफ़ी ज़्यादा करियर में अपने, मतलब अपने काम को ही फिर लेकर बिजी रहो, फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं फैमिली को टाइम ना दे पाओ, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। विद इन नाइन ऑफ कप्स मुझे ये दिखाया दे रहा है कि आप जो काम पूरा करना चाहते थे पिछले साल, वो इस साल में पूरा होगा, मे बी आपके एफर्ट्स आपने लगाए वो काम नहीं आए, लेकिन इस साल वो एफर्ट ज़रूर काम आएंगे, आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, आपको फ्रेंड सपोर्ट मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो, और आपको जो नहीं मिला पिछले साल वो इस साल ज़रूर मिलेगा विद नाइन ऑफ कप्स। तो ये है। देन मैं देख रही हूँ शायद आप थोड़ा, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं हो, मतलब आप ज़्यादा मंदिर में नहीं जाते, आप काफ़ी स्पिरिचुअल नहीं हो, मानते हो लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हो, तो मे भी आप इस साल काफ़ी ज़्यादा, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आए जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओ, आप अपने थॉट्स, अपनी चीज़ें भगवान से शेयर करो। भगवान से शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, भगवान से शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता वो भगवान ज़रूर समझते हैं। तो आप इस साल स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओगे, आप डीप थॉट्स रखोगे, आपको उसमें अपने काफ़ी क्लियर थॉट्स होंगे आपके इस साल, और आप शायद पूजा भी करने लग जाओ, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है शायद आप ऐसे इंसान हो जो पूजा वगैरह ज़्यादा नहीं करते, मानते हैं लेकिन नहीं करते, ज़्यादा ज़्यादा मंदिर नहीं जाते और ये सब नहीं करते, तो आप शायद इस साल ये सब करें, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं और काफ़ी ज़्यादा सोचें पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये रिवर्स भी हो सकता है लेकिन मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती, तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है, आपको एक पॉजिटिव उसमें ही सोचना है, तभी आप कर पाओगे। देन यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है करंटली, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो मे बी उसका इस ईयर में, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस ईयर में शायद वो एंड हो जाए,
क्योंकि विद सेवन ऑफ स्पोर्ट्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप थोड़े अगर करियर में भी जैसे आप आपने एफर्ट्स डाले, आपके काम नहीं आए लेकिन इस साल आएंगे, आप अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी एफर्ट्स डालते हो लेकिन वो काम कभी नहीं आते हैं। आप मतलब काफ़ी चैलेंजेस आते हैं चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन आपने होप अभी भी है कि शायद हो जाए, शायद ये रिश्ता टिक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसी भी प्रॉब्लम से आपका रिश्ता जिसके साथ आपने रख रखा है मे बी एंड हो जाए, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है थ्री ऑफ स्पोर्ट्स, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ सिर्फ आपको अपना स्टैंड लेना होगा। आपको मे बी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेसहारा महसूस करें, तो आपको नहीं करना है। कितना भी पेनफुल डिसीज़न हो आपको लेना है और वो ही आपके हित में होगा, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में अभी आप हो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रिश्ता अच्छा नहीं है और मे बी आपका एंड हो चुका हो। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है लेकिन मुझे आपकी साइड से ज़्यादा लग रही है। अगर ये आपका रिश्ता एंड हो चुका है तो आप इस सिचुएशन में हो जहाँ आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो इस सिचुएशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो भी रिलेशनशिप था ये आपके लिए नहीं था। आपके लिए एक ऐसा रिलेशनशिप आएगा इस साल जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। विद द एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि यहाँ आपको एक प्रपोजल आएगा डिवाइन की ही ओर से, जब डिवाइन चाहेगी तभी आएगा और मे बी ये कुछ मंथ्स में आ सकता है आपके आपके पास ये प्रपोजल, एक से दो महीने या कुछ महीनों में आ सकता है आपके पास ऐसा प्रपोजल जहाँ आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखे, और जिसका भी आपके पास प्रपोजल आएगा वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डीप थॉट्स रखता होगा, काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने वाला इंसान होगा। मे बी उनका भी कोई पास्ट हो जिससे वो काफ़ी परेशान हो, लेकिन उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी, उन्होंने हमेशा भगवान पे विश्वास रखा है। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आप शायद अब भगवान पे विश्वास करना स्टार्ट करो, अब आप भगवान के पास ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, तो ये इंसान पहले से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा विद स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, और ग्रोथ भी होगी आप दोनों की। और अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप को अच्छे से चला पाते हो, क्योंकि यहाँ जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप इस साल आएगा वहाँ आपको बैलेंस की ज़रूरत होगी, तो आप मे बी अभी आप शायद अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और आपका एयर साइन के साथ कोई रिलेशनशिप रह चुका हो या आप अभी भी हो जो कि है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और इसका एंड होके या अगर इसका एंड हो चुका है तो आपके पास नेक्स्ट प्रपोजल आएगा वाटर साइन का, जो कि या आप भी हो सकते हैं जो कि हैं पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, तो आप वाटर एंड अर्थ कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है अर्थ एंड वाटर, तो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, साइंस वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंसान इमोशनल होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने वाला भी होगा। इस इंसान को इतना होगा कि इस इंसान ने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में देख रखी होंगी। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप का जो पार्टनर होगा वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा, और जैसे कि मेरा डीप थॉट्स रखने वाला, और मे बी वो अगर मेल हैं तो उनका कलर मीडियम टू डार्क हो सकता है,
और हेयर कलर उनका ब्लैक हो सकता है, ब्लैक या ब्लैक ब्राउन, और मस्कुलर बॉडी उनकी हो सकती है। और अगर फीमेल है तो फीमेल का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल होंगी और उनका फेयर टू मीडियम स्किन टोन हो सकता है। उनके बाल मतलब उनका हेयर कलर उनका हो सकता है लाइट ब्राउन टू ब्लॉन्ड, और मुझे ऐसा लग रहा है। और वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका हाई सोशल स्टेटस होगा, काफ़ी ज़्यादा, जिसके साथ आप अपना नेक्स्ट रिलेशनशिप रखोगे और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आए या नेक्स्ट आपका कोई करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आए, आपके एफर्ट्स हो, आपका हार्डवर्क हो, कुछ भी हो, डिवाइन हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप इस चीज़ की चिंता मत करें कि आपका जो अभी रिलेशनशिप चल रहा है वो एंड हो जाएगा तो आपको दुख होगा। ऑब्वियसली दुख होता है, लेकिन अगर जब तक ये चीज़ एंड नहीं होगी तब तक नेक्स्ट चीज़ कैसे आएगी जो कि आपके आपके लिए ही फेवरेबल है, आपके लिए ही फ्रूटफुल है वो चीज़। अभी आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आएगा उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। द चैरियट भी यहाँ यही दिखाता है कि ये मुझे करियर से रिलेटेड दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके फोकस्ड हैं और आप इन फ्यूचर अपने प्रोफेशनल लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगे। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो प्रोफेशनल लाइफ पे अगर ध्यान देते हैं तो पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं देते, और पर्सनल लाइफ पे ध्यान देते तो प्रोफेशनल पे नहीं देते। तो यहाँ आप दोनों पे अच्छे से ध्यान दोगे, दोनों को बैलेंस करके चलोगे, और अगर अब अभी ऐसा नहीं है तो इन फ्यूचर आप ज़रूर करोगे। मैंने बताया था आपको कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ आपको लेसन सीखने को मिलेगा, और लाइफ का दूसरा मतलब ही ये है कि एक्सपीरियंसेस लर्न, एक्सपीरियंसेस लेना और उन चीज़ों से कुछ लर्न करना। तो इस साल चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में वो एक लेसन देकर जाएंगे, आपको खुशियाँ देकर, आपको खुशी भी मिलेगी इस साल काफ़ी ज़्यादा। फाइनेंशियली भी आप सही हो जाओगे, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएगी, और आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओगे, और नेक्स्ट रिलेशनशिप जो आएगा आपका काफ़ी अच्छा होगा विद स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। बस आपको बैलेंस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, वो आप अच्छे से उस पर वर्क करिए, अपने एफर्ट्स लगाइए, तो भगवान भी आपके साथ हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी के लिए बाय बाय। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर टू ये पेंडेंट सिलेक्ट करा था, ट्रांसपेरेंट पेंडेंट, आइए देखते हैं उनका ये ईयर कैसा जाएगा। तो यहाँ मैं कार्ड्स को शफल कर लूँगी। तो यहाँ मैं अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रही थी, आइए देखते हैं आपका साल कैसा जाता है। जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ के, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ स्ट्राइक कर रही है ये दो कार्ड्स, जो कि मुझे ये दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में पिछले साल ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ आपने अपने आप को काफ़ी लोनली फील करा है,
काफ़ी ज़्यादा हर्ट ब्रोकन फील करा है, शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो या आपका कोई कोई प्रॉब्लम हुई हो ऐसी, जहाँ आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा होपलेस महसूस करा या काफ़ी ज़्यादा बेसहारा महसूस करा। तो अब आप इस साल इस एनर्जी से बाहर निकल के आप इस एनर्जी पे आएंगे जो कि है स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि ये दिखाता है कि आप अपने को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे अपने थॉट्स को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी हैं, जो कि ज़रूरी है। लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपको अपने दिमाग की नहीं सुननी पड़ती, अपने दिल की सुननी होती है। तो आपने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल दिया है, जो भी सिचुएशन थी, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो, चाहे आपका अपने को ही लेके कोई प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ से आपने अपने आप को ओवरकम करके अपने में स्ट्रेंथ भरी है और स्ट्रांग होए हो आप फिज़िकली एंड थोड़ा सा मेंटली भी, क्योंकि अभी भी आप थोड़े इमोशनल हो, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब आप किसी की बातों में जल्दी से नहीं आते। अब आपने ये सोच लिया है कि अब मैं अपने ही मन की सुनूंगा, अपने ही दिल की सुनूंगा और दुनिया जाए कहीं भी, और दुनिया की छोड़ो, अपनी सुनो और अपने लिए जो डिसीजन सही लगता है वो उसको चुनो और लाइफ में खुश रहो। तो यहाँ दिखता है मुझे कि पिछले साल आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम था, कोई ऐसा सिचुएशन था, रिलेशनशिप को लेकर हो या करियर को लेकर हो, कुछ भी हो, बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, कुछ भी हो, वो अब आपका वो जो फेज़ था वो एंड हो चुका है और एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इस साल, जो कि आपको बहुत खुशियाँ देगा। जैसा कि ये है 10 of Cups, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। आपकी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स आपके अच्छे होंगे और फैमिली सपोर्ट मिलेगा आपको, फैमिली गैदरिंग्स होंगी और मे बी आपकी इस साल शादी हो जाए आपकी, मे बी, ये कोई गारंटेड नहीं है, मैं जस्ट आपको प्रिडिक्शन करके बता सकती हूँ कि मे बी आपकी इस साल शादी हो जाए। जो अनमैरिड लोग हैं वो अगर रिश्ते के लिए परेशान थे पिछले साल, तो शायद उनकी मैरिज हो जाए इस साल। लेकिन आपकी लाइफ में अभी भी अप्स एंड डाउन्स है या ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहो, काफ़ी ज़्यादा आपको लगे कि क्या इसको चुनना चाहिए या इसको चुनना चाहिए। तो वो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगा ही रहेगा इस साल, लेकिन अगर आप अपने को, अगर आप समझते हो अपने आप को कि आप हर चीज़ का मुकाबला खुद कर सकते हो, आप में इतनी क्षमता है कि आप इस लड़ाई को खुद ही लड़ोगे, तो आप उस चीज़ को खुद लड़ सकते हो, आप लड़के भी दिखाओगे। क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, मे बी करियर वाइज कोई ऐसी चीज़ें आए जो ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएँ, जैसे आप जॉब करते हो और आपके कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएँ कि यार ये तो काम करने नहीं देता है, या अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऐसा हो कि लोग आपसे थोड़ा जेलसी फील करें और थोड़ा ऑब्स्टेकल्स लाएँ आपकी करियर लाइफ में, जॉब लाइफ में। तो आप अगर उस चीज़ का डटकर सामना करोगे, खुद का स्टैंड लेके, खुद की पोजीशन पर ध्यान देके, तो ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं और सब आपके रास्ते से सब हट जाएंगे और आप एक स्टेबिलिटी की ओर पहुंच पाओगे, जो कि है स्थिरता की ओर, जो कि आपकी लाइफ स्टेबल कर देगी, आपकी लाइफ अच्छा कर देगी बहुत ज़्यादा। तो और मे बी आपका कोई, जैसे मैंने बताया, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, तो आप मे बी आपका कोई
जैसे मैंने बताया आपकी कोई अगर आप अनमैरिड हैं तो आप मैरिड हो जाएं, आपकी कोई मैरिज हो जाए तो आपका वो एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है, जहाँ की जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं। आपकी अरेंज मैरिज होगी इस साल, लव का मुझे ज़्यादा नहीं दिखता, अरेंज मैरिज का ज़्यादा दिखता है। तो आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में मे बी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन आप अगर एक दूसरे को समझोगे तो सब कुछ, ये सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे। तो अगर करियर वाइज है तो भी दूर हो जाएंगे, अगर आप अपनी अपने आप को समझेंगे, अपने आप में इतना रखेंगे कि आप इस चीज़ का मुकाबला खुद कर सकते हैं। और अगर लव लाइफ वाइज है, आपकी मैरिड लाइफ वाइज है, तो आप कर लेंगे इस साल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी काफ़ी हद तक। और विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर करें, किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपके इस साल में भी कुछ ऐसी कंपनी से आपका कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करें आपको, काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट करें कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, तो अगर इसमें नहीं कर सकते तो आप इसमें कर लीजिए, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आपको उनको नहीं सुनना है, आपको एक प्रोफेशनल एडवाइज़र को हायर करना है, या अपने घर में से, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस हो तो आपको अपने फादर से या ग्रैंड फादर से या जिसको भी आप मानते हैं उनसे आपको पर्सनल एडवाइस लेनी है, एंड देन कोई आपको फाइनेंशियल डिसीज़न लेना है। ठीक है जी। और मुझे यहाँ लग रहा है अगर कोई स्टूडेंट है और अगर अपने करियर को लेके थोड़ा परेशान है, तो आप इस साल उस चीज़ से भी छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा ऑप्शन जो जिसमें आप दोनों साइड कंफ्यूज्ड हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि आपको इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, तो आपको अपना जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ को चुनना है। मे बी आपका इंटरेस्ट फैशन स्टाइलिंग में हो, या फैशन मॉडलिंग में हो, या आपका कोई आपका किसी आर्ट इंडस्ट्री में हो, या आर्ट से रिलेटेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो। तो जो भी ये चीज़ें होती है ना, आपकी खुद की हॉबीज़ में हो, आप कुछ ऐसा चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो जहाँ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, तो आप मे बी इस साल उस चीज़ में जाएंगे और आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ लेते हैं, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और उससे ही रिलेटेड आप अपना करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। विद पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको उसमें बहुत सफलता मिलेगी और आप काफ़ी नई नई चीज़ें सीखेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सिखाएंगी आपको, कि काफ़ी ज़्यादा स्किल्स सिखाएंगी आपको, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितनी स्किल्स आप सीखें अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें काम आती हैं आपकी लाइफ में। देन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है और अगर आप अपने आप को हर्ट ब्रोकन फील करते हैं, अगर आपका आपने किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस साल, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब ही मिलेगा आपको इस साल। जैसे कि मैंने बताया आपकी मैरिज हो सकती है, तो मे बी आपके पार्टनर इतने ज़्यादा सपोर्टिव हों, इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हों कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही ना हो। जो रिलेशनशिप में रह चुका वो रह चुका, और जो आपका एक न्यू फेज स्टार्ट होगा आपके नए पर्सन के साथ, आपके चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, तो वो एक अच्छे हस्बैंड साबित होंगे, एक अच्छे लवर साबित होंगे, एक अच्छे फ्रेंड साबित होंगे। क्योंकि हर रिलेशनशिप में सबसे पहले अगर आप किसी की भी बात करो, पार्टनर्स होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो ज़रूर होगी आपके रिलेशनशिप में, वो आएगी इस साल। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान आपका फ्रेंड होना चाहिए,
वो एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए जो आपको हर एक अच्छी दिशा में आपको गाइड करे, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, और अगर आप जहाँ कहीं भी गलत जा रहे हैं वहाँ आपको सलाह दे के, वहाँ आपके आपको एक अच्छी सलाह दे के, आपको नेगेटिविटी से दूर करके आपको एक अच्छे ट्रैक पे ले आए, तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्रेंड तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मे बी आपकी शादी हो, अरेंज मैरिज हो, जहाँ आपको आपका पार्टनर इतना ज़्यादा अच्छा मिले कि आपकी लाइफ ही खुशियों से भर दे वो, तो आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। जब जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब भगवान चाहेंगे तब होगा। और करियर वाइज भी आप अपने, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो आप उस चीज़ का डटकर सामना करें, तो ज़रूर उसमें आपको वो सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे, और आप एक लाइफ की, अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो ज़रूर इस साल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। एंड हेल्थ वाइज थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मे बी आपको कोई फिर मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, मेंटल इशू हो जाए, मे बी आपको माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रह के थोड़ा अपने को भी ध्यान देना है। आपको करियर पे फोकस करना है, आपकी अगर मैरिज होती है तो उस पर भी आपको, अपने पार्टनर पे भी आपको साथ में रहना है, आपको उनके साथ, आपको उनको समझना है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बस इतना रखना कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे बढ़ना ही लाइफ का मतलब है। तो यही है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलब आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लियर थॉट्स के होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे, थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन फेयर डिसीजन लेते होंगे, चाहे कितनी भी पेनफुल सिचुएशन आ जाए, लेकिन हमेशा वो फेयर डिसीजन लेते होंगे। और वो मे बी आपके पार्टनर मस्कुलर बॉडी हो सकती है उनकी, और फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, और मे बी वो कोई इन्फ्लुएंसर हों, कोई, जैसे मैंने बताया कि आप अगर फैशन इंडस्ट्री में जाते तो शायद आपको वहीं कोई मिल जाए, या अगर आप अभी काम करते हैं तो आपको वहीं से ही कोई मिल जाए, आपकी जॉब में आपको कोई मिल जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इनका हाई सोशल स्टेटस होगा, और फेयर टू मीडियम स्किन टोन इनका हो सकता है, लाइट ब्राउन इनके हेयर कलर हो सकता है, लाइट ब्राउन टू ब्राउन, लाइट ब्राउन टू ब्राउन, तो इनका ये हेयर कलर हो सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे हस्बैंड, लवर एंड फ्रेंड साबित होंगे, ये प्रूव करके दिखाएंगे। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो उसे वो आपको हील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको समझेंगे, और आपको भी इन्हें समझना होगा, तभी आप दोनों के बीच में एक अफेक्शन होगा, काफ़ी होगा, फिर लव होगा, और आप दोनों एक दूसरे को समझ भी पाओगे। मे बी फर्स्ट मीटिंग में आप थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको समझेंगे और आप भी इनको समझोगे, तो सब सही होगा। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी ये थोड़े रूडी कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, मींस कि आप इन, अगर आप इन्हें देखें तो आपको देख के ऐसा फील करें कि यार ये तो कितने खड़ूस से हैं, ये तो ऐसे से हैं, ये बड़े गुस्से वाले होंगे, लेकिन वो सिर्फ दिखने में ही होंगे, वो अंदर से नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, अपने थॉट्स को लेके बैलेंस भी होंगे, और मे बी जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान दिल से काफ़ी ज़्यादा साफ होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, तो उनको थोड़ा छोटी छोटी बातों का भी बुरा लग जाता है, तो शायद वो ये चीज़ दिखाए ना, लेकिन उनको लग ज़रूर जाएगा, तो थोड़ा अपने वर्ड्स पे भी ध्यान रखिएगा, और हर चीज़ इनसे शेयर करिएगा, और सब सही होगा। कम्युनिकेशन आप अच्छी रखना अपने रिलेशनशिप में, तो सब अच्छा होगा। करियर वाइज भी जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो टेम्परेरी होंगे, आप स्टेबिलिटी की ओर पहुँच पाएंगे। रिलेशनशिप वाइज भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा ये साल,
तो बस आपको अपने अंदर ये रखना है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं और आप करके ही दिखाएंगे पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो आप पॉजिटिव वे में उस चीज़ को करके दिखाएंगे, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेंगे और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, आई होप कि आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी के लिए बाय बाय। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 सिलेक्ट करी थी ये ब्रेसलेट, आइए देखते हैं उनका ये साल कैसा जाता है। तो यहाँ मैं कार्ड्स को शफल कर लूँगी। तो यहाँ मैं अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रही थी। टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको डिसीजन लेना है। आप ऐसी दो सिचुएशंस में स्टक हो जहाँ आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो, काफ़ी ज़्यादा आपको, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आप नहीं चाहते लेकिन आपको वो चीज़ लेनी पड़ रही है, आपको वो डिसीज़न लेना पड़ रहा है। तो आप उस सिचुएशन में, उन दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज्ड हो। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, मे बी आप ऐसा ऐसा हो रहा हो कि फैमिली कुछ और चाहते हो और आप कुछ और चाहते हो, तो आप उस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो काफ़ी। अगर मैं पर्सनल लाइफ वाइज लूँ तो ऐसा कोई सिचुएशन है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, या मुझे यहाँ रिलेशनशिप को लेके लग रही है, या आपका कोई कोई स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स को लेके हो सकते हैं करियर को लेकर आगे। तो ऐसा हो रहा है कि कोई एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, जहाँ आपको मन ही ना कर रहा हो किसी भी चीज़ को सुनने का, खुद को, खुद का भी सुनने का मन नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा इस साल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करे हैं अपनी लाइफ में। विद दी हैंग्ड मैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में। आप चाहे फैमिली को लेके परेशान हो, चाहे फ्रेंड्स को लेके हो, चाहे पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, करियर लाइफ, आप काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो चीज़ों का, लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस यहाँ मुझे दिख रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि कई लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, कई लोगों ने, नॉट इवन वन पर्सन, बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको उन पे ट्रस्ट था और आपका ट्रस्ट टूटा, और लेकिन आपने अपने आप को होपलेस महसूस नहीं करा। कोई रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अगर किसी अपने लवर के साथ थे और अगर आप अभी भी हो
और वो सिचुएशन ऐसी जगह पे अटकी हुई हो, ऐसी जगह पे स्टक हो जहाँ आपको एक डिसीजन लेना हो, या तो साथ चलो ऐसे ही जैसा चलता आ रहा है, ऐसे ही सेक्रीफाइसेस करो रिलेशनशिप में, एक बंदा सेक्रीफाइस करे एक बंदा मोह जुड़ा है, तो या तो ऐसा सिचुएशन है, या फिर ये है कि अपने आप को इन कंडीशन से फ्री करके आप फ्री हो जाओ। बस आप सिर्फ अपनी सुनो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, ये सब करो। तो जितना मुझे लगता है कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस्ड फील करते हैं, जहाँ सिर्फ आपको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, या आपको लगता था पिछले साल तक कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहा है, करियर को लेके मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ रिलेशनशिप में ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे या अभी भी हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो अपने आप को, तो आपको वो नहीं करना है, ये चीज़ आप नहीं हो, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं जो किसी में बंधे रहे, इतनी ज़्यादा बंदिशें हो जिस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप कैसा? रिलेशनशिप वो होता है जहाँ दोनों जो लोग हैं दोनों का पक्ष रख के एक सही फैसला किया जाए, दोनों को समझा जाए, दोनों एक दूसरे को समझें, ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा सेक्रीफाइस करे। अगर रिलेशनशिप में होते हैं सेक्रीफाइसेस कुछ, लेकिन वो दोनों को करने पड़ते हैं, ये नहीं सिर्फ एक बंदा करेगा और एक बिल्कुल इन सब चीज़ों से फ्री रहेगा। तो अभी आपकी शायद ऐसी सिचुएशन है या ऐसी थी जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे या अभी भी कर रहे हो, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अभी भी आप ऐसा स्ट्रेस फील कर रहे हो जहाँ आपका काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा है, या आपका रिलेशनशिप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से टूटा है, आपको कोई अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा पता चला है कि उसका किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप था और उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे इन्वॉल्व थे, मे बी उनके कोई ऐसे जानकार हो सकते हैं, शायद उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या उनके घर वाले ही शायद हों, तो मुझे ऐसा लगता है घर वालों को इतना नहीं लगता इन्फ्लुएंस मुझे इस चीज़ में जितना उनके और सब चीज़ों का लगता है, तो मे बी उनका किसी थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप हो जहाँ अब आपको पता चल गया हो और उन्हें ना पता हो इस चीज़ का, वो अभी अवेयर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें भी लग रहा है कि अब इस इंसान को पता चल गया है, तो शायद लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच और आप अब इस सिचुएशन को लेके सोच रहे हो कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ये आप और ये दोनों सिचुएशंस हैं जहाँ आपको स्टक कर रखा है इन लोगों ने, इन चीज़ों ने। तो अगर आप सजेशन लें, मैं आपको ऐसा सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अगर इस रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाएंगे ना, तो बहुत सेक्रीफाइस होंगे इस रिलेशनशिप में, जहाँ सिर्फ आपको करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको। यहाँ मुझे यही लग रहा है कि जितने सेक्रीफाइसेस आप करोगे उतना ही आप अंदर ही अंदर घुटते जाओगे, अंदर ही अंदर, इनफैक्ट आप अपनी फैमिली तक को भी नहीं बता पाओगे, एक ऐसे स्टेज पे आ जाओगे अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, एक ऐसे स्टेज पे आ जाओगे जहाँ आपको कुछ नहीं सूझेगा, आपको सिर्फ ये सूझेगा कि अब इस दुनिया से संन्यास ले लो, इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ, इस दुनिया से बस अब बस दूर हो जाओ, चाहे वो नेगेटिव वे में जाए, चाहे वो ज़्यादा तो नेगेटिव वे में ही जाएगा वो, या फिर किसी और वे में जाए। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में हो किसी भी एयर साइन से, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो आप दूर हो जाओ, यही एक सिंपल एंड क्लियर सजेशन है आपके लिए कि आप अगर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, चाहे आप करियर वाइज हो, चाहे आप किसी भी वाइज हो, अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, तो उनको वही चूज़ करना चाहिए जो वो चाहते हैं, क्योंकि आगे उनकी ही फैमिली को उन पर गर्व होगा अगर आप ये आज डिसीज़न लेंगे तो।
क्योंकि आप उसी चीज़ में आगे बढ़ पाओगे, उसी चीज़ में आप आगे जा पाओगे। मे बी आपने कोई इंटरव्यू दिया हो और घर वाले आपको फोर्स कर रहे हो उस चीज़ में, या आपके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है जहाँ आपका वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का वो हो, जैसे बाहर जाना हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि नहीं है पैसे, तो आप उस चीज़ को थोड़ा डिले कर सकते हैं। लेकिन मे बी वो डिले खुद ही हो जाए, लेकिन अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो वो ज़रूर होगी, वो चीज़ ज़रूर आपको मिलेगी। आप अगर इंटरव्यू के लिए कोई मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ क्या आएगी, तो वो पॉजिटिव ही आएगी। और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए ही फेवरेबल हो, आपके लिए इन फ्यूचर फ्रूटफुल हो, तो आपको वही सुनना चाहिए, आपको वही चूज़ करना चाहिए ऑप्शन जो आप चाहते हो। और कईयों का तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली उन्हें फैमिली में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो, फैमिली को ही लेकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिस वजह से वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, अपनी चीज़ें नहीं सुन पाते। आपको आप फैमिली को सपोर्ट करते हो, आपको करना भी चाहिए, लेकिन जिस चीज़ से उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, तो उस चीज़ में थोड़ा तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा तो एक ऐसा डिसीज़न लेना पड़ेगा जिसको अभी ले लोगे तो आगे खुश रहोगे। तो इस साल वो चीज़ होगी। अगर आप किसी बिजनेस में हो, पार्टनरशिप करी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत अच्छी बात है। और द वर्ल्ड का कार्ड है तो भाई किसी चीज़ की वो नहीं है प्रॉब्लम, डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन जब तक आपके साथ रहेगी तब तक आपके जो एफर्ट्स डालोगे, आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम, मे बी आप फाइनेंशियली अभी स्टेबल ना हो, इस साल आपकी एक ऐसी पोजीशन हो जाएगी जहाँ आपको अगर आप किसी से मतलब अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एक ऐसी चीज़ तक ख़त्म हो जाएगी जहाँ आपको इतनी होप रहेगी कि अगर हम इस स्टेज पे आए हैं लाइफ के फाइनेंशियली तो आगे भी इससे ऊपर जाते रहेंगे, सक्सेस मिलती ही रहेगी। और अगर रिलेशनशिप को लेके हैं तो जी आप इस चीज़ को देखिए एंड कर दीजिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लेंगे तो डिवाइन अपने आप ही कर देगी वो चीज़, डिवाइन कर देगी वो चीज़ अपने आप। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, चाहे वो हफ्तों में आए, चाहे वो महीनों में आए, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ बस आप सोच लोगे जी एंड कर दो बस अब आप, तो आपको इतना स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है किसी भी चीज़ का। आप उस चीज़ को देखिए कि जिसमें आपका वो हो, जिसमें आप खुश रह पाएँ, जहाँ आपको सेक्रीफाइसेस इतने ना करने पड़े, जहाँ आप खुद को भी खो दो, तो वो चीज़ छोड़ के आपकी लाइफ में एक तो बैलेंस्ड आएगा, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली भी, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, किसी भी फील्ड को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आएगा इस साल। और मे बी आप का किसी के साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप हो जहाँ आपके बीच दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों में अफेक्शन हो, लव हो, ट्रू लव हो सकता है, ये ट्रू लव होगा ज़रूर। ये इमोशंस काफ़ी हो, इमोशंस की परवाह करी जाती हो रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप्स की परवाह करी जाती हो, जहाँ एक वैल्यू दी जाती हो, जहाँ लोगों की कदर करी जाती हो, वो रिलेशनशिप इस साल आपके पास आएगा। और जहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इस साल। और अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो मे बी आपका कोई भार आपका बाहर जॉब लग सकती है, या अगर आप अभी सिंगल हैं, या अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एंड करेंगे तो आप ट्रैवलिंग के थ्रू भी अपने नेक्स्ट पार्टनर से मिल सकते हैं, जिनके साथ आपकी मैरिज भी हो जाए, हो सकता है ये मैरिज भी आपकी उनके साथ हो जाए, क्योंकि यहाँ जैसे कि देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी सा एनवायरनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ, स्टेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा एक सेलिब्रेशन है, फ्रूट्स हैं, एक होम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं।
बस आप यही देखिए कि जिस वजह से आप परेशान हैं उस वजह को बस आप दूर कर दीजिए। इस साल को एक नया साल, एक अपने आप को एक न्यू लाइफ दीजिए, इन्जॉय करिए। फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे इस साल, ज़्यादा ना हो लेकिन उतने तक हो जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सब कर पाएंगे अपने उसका लिमिट में रह के करेंगे, और वही करना चाहिए लेकिन अच्छे से कर पाएंगे विदाउट एनी टेकिंग एनी टेंशन। तो ये होगा इस साल, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। और फोर ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप थोड़े मतलब आप एफर्ट्स डालोगे आपकी लाइफ में, जैसे चैलेंजेस आएंगे। नो डाउट चैलेंजेस तो देखो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन आप अगर डट के खड़े रहोगे, और ये सब टेम्परेरी है, ये जस्ट थोड़ा सा ही थोड़े टाइम तक ही रहेंगे। तो अगर आप अपने आप को समझेंगे और हर अच्छा एक डिसीज़न लेंगे तो सब सही होगा, और ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। मे भी थोड़ा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो कई लोगों की वजह से, लेकिन वो सब कुछ दूर हो जाएगा अगर आप भगवान पे विश्वास रखेंगे। और मे भी आपकी मदर आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मदर आपको सपोर्ट नहीं करती, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सिंपैथेटिकली आपको काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा समझेंगे आप। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो उस गलती को वो समझ के कि चलो ठीक है, एक बच्चे से अगर कोई गलती हुई है तो ठीक है, उसको सबक मिल गया, लेकिन हम उसके पेरेंट्स हैं और हमें उनको उसको समझना चाहिए। तो वो आपके फैमिली के साथ में भी अच्छे रिलेशन्स बने, स्पेशली मदर के साथ और इस साल। और अगर आपका कोई जैसे न्यू रिलेशनशिप आता है, और अगर आपकी जो भी आपके आपके पार्टनर होते हैं, आपकी पार्टनर होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स को लेके स्टेबल्ड होंगी, और थोड़ा वो आपसे बड़ी भी हो सकती हैं एज में, 1-2 साल में भी वो थोड़ा बड़ी हो सकती हैं आपसे। और उनकी लाइफ में भी सिचुएशंस ऐसी आती होंगी, उनकी लाइफ भी ऐसी होगी जहाँ उनको एक ऐसा डिसीज़न लेना पड़ता होगा, या उन्होंने ऐसा डिसीज़न लेके ही अपने आप को इतना स्टेबल कराओ जिससे कि वो आज इस मुकाम पे हैं। तो आपको शायद उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिले, आपको आपकी लाइफ से सीखने को बहुत कुछ मिले, सिचुएशन से सीखने को बहुत कुछ मिले, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी। और अगर आपको कोई न्यू रिलेशनशिप मिलता है तो वो मे बी अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आप वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड हाँ, मुझे फायर साइन का भी थोड़ा आ रहा है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, तो ये साइंस हैं। तो आपका ये साल एक ऐसा साल जाएगा जहाँ पिछले साल अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही हो तो थोड़े आप इस साल में स्टेबल हो जाएंगे, काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएंगे, और जहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर रिलेशनशिप में है तो इस ईयर में आपको इस रिलेशनशिप से, इस प्रॉब्लम से, इस स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा, जहाँ आप एक ऐसी दिशा में बढ़ेंगे जहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा, प्लस स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी। एक ऐसा पार्टनर आएगा जो आपको समझेगा, जो आपके इमोशंस की कदर करेगा, जो आपकी कदर करेगा। और विद द 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप मतलब थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जैसे कि यहाँ है कि इस वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से मे बी आप थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, या ऐसे डिसीजन लेके थोड़ा सा आप मेंटली थोड़ा वो हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन आपको नहीं होना, आपको होप नहीं छोड़नी। जैसा कि मैंने बताया, आपके लिए भी कोई है जो आपको समझेगा, तो आपको बस उस चीज़ पे होप रखनी है, मैनिफेस्टेशंस करनी है, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो चैलेंजेस हैं वो भी टेम्परेरी हैं, वो भी हट जाएंगे आपके रास्ते से। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, और सब अच्छा होगा।
थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, और मदर से भी सपोर्ट मिलेगा ऐसा लगा नहीं आपको लगता तो मिलेगा ज़रूर। मदर से रिलेशन अच्छे बनेंगे आपके, आपकी वाइफ होंगी या हस्बैंड होंगे वो एक अच्छे हस्बैंड और वाइफ साबित होंगे आपकी लाइफ में। अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई देखना चाहते हैं, आपका शायद जॉब बाहर लग सकती है, अगर बाहर इंटरव्यू दे रखा है तो उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट उसका ज़रूर मिलेगा। और सेक्रीफाइसेस देखो हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा अपने आप को भी समझो आप, बस अपने आप को समझो, अपने आप को अपने आप से सेल्फ लव करो तो सब अच्छा होगा। बिजनेस, जो बिजनेसमैन है अगर वो देख रहे हैं ये चीज़, जिनका बिजनेस है तो उनको इस साल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। और अगर किसी को मैरिज का है तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा और सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ। बस थोड़े एफर्ट्स लगाइए और पॉजिटिव रहिए और फैमिली से अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करिए, अगर नहीं बनते तो थोड़ा बनाने की कोशिश करिए, बातचीत करिए, मदर से सपोर्ट मिलेगा, रिलेशन अच्छा रहेगा और इस चीज़ से छुटकारा पाइए अगर नहीं पा रखा तो। और अगर छुटकारा पा लिया है तो मूव ऑन कर दीजिए, बस सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, आई होप कि आपको रेजोनेट हुई हो, अगर रेजोनेट हुई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल के लिए। बाय बाय।